आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही इंडिया गठबंधन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बसपा मुखिया मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर भाजपा का रास्ता आसान कर दिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन के संयोजक जेडीयू के नीतीश कुमार ने बिहार की गठबंधन सरकार को 26 जनवरी को गिरा दिया है और पुनः सरकार के गठन के लिए भाजपा के संपर्क में है। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं से संपर्क कर चुके हैं। बहरहाल ये कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड के बावजूद बिहार का तापमान बढ़ा हुआ है। अगर जदयू के नीतीश कुमार एनडीए से गठबंधन कर एक बार फिर सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं तो इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार का अलग होना तय है। उत्तर प्रदेश में सपा की सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस से सहमति नहीं बन पा रही है। इंडिया गठबंधन के सूरमा कहे जाने वाले नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे कोई भी त्याग करने को तैयार नहीं है। सभी पर स्वार्थ की राजनीति हावी है। मायावती इनकी स्वार्थ की राजनीति से पहले ही दूरी बनाए हुए है। इनकी स्वार्थ की राजनीति के चलते इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति भाजपा की साम दाम दंड भेद की राजनीति की बलि छड़ती नजर आ रही है। भाजपा भलीभांति जानती है कि इंडिया गठबंधन से भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए भाजपा हर कीमत पर इंडिया गठबंधन तोड़ना चाहेगी। यह बात इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एकजुटता की बात करने वाले दल निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के उद्देश्य जनता को गुमराह कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में हो रही उठक पटक और बिहार की सरकार गिरने के बाद यह प्रतीत हो रहा है कि इंडिया गठबंधन टूटने की दहलीज पकड़ा है। बसपा मुखिया मायावती पर भाजपा को समर्थन करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार के भाजपा के नेताओं के सामने बिहार में पुनः सरकार बनाने के लिए गिड़गड़ाना यह साबित कर रहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि भाजपा को हराने का सपना देख रहे विपक्षी नेता किस रणनीति के तहत भाजपा को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, या फिर विपक्षी नेता अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भाजपा के आगे घुटने टेकने का काम कर देंगे। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।